इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जहां अपना अलग अंदाज है तो वहीं उनके समर्थकों का समर्पण भी देखने के काबिल होता है। ऐसा ही दो नजारे मंगलवार को बिजली सब स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में देखने को मिले। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भाषण के बीच में ही महाराज को दंडवत करने पहुंच गए, तो वहीं दूसरे कट्टर समर्थक पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने भाषण में सिंधिया को राम और खुद को हनुमान बता डाला। दोनों मंत्रियों की महाराज भक्ति जमकर वायरल हो रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री उन्हें खुश करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर हाल ही में दिखा जब सिंधिया बमोरी विधानसभा के बल्लापुर आए थे। यहाँ एक कार्यक्रम में सुबह के दो कैबिनेट मंत्री सिंधिया के सामने नतमस्तक होते दिखे। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके सामने दंडवत हो गए तो दूसरे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उन्हें श्री राम और खुद को हनुमान करार दिया। इस बात को लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी कुछ इस तरह मिली। जिस दिन से आपने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है और भारतीय जनता पार्टी में मुझे आपने पंचायत ग्रामीण विकास का कारोबार सौंपा है, महाराज आज मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे राम ने मुझे कार बताए थे वो समस्त कार उनके हनुमान ने करके दिखाए हैं, जंग की चोट पे करके दिखाए। बात कुछ यूं हुई कि सिंधिया ने दोनों मंत्रियों को कुछ काम बताए थे जिसमें से एक काम प्रद्युम्न सिंह तोमर समय पर नहीं कर सके, जिसके चलते भरी सभा में वे मंच पर बैठे सिंधिया के सामने दंडवत हो गए। वहीं प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मंच से दम्भ भरा कि जो काम मेरे राम ने मुझे बताए थे वे सभी काम उनके हनुमान ने कर दिखाए। भोपाल से NH 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता के साथ गुना से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।